ब्रह्मा कुमारी संस्था के साकार संस्थापक पिता श्री ब्रह्मा बाबा की लौकिक बहू जिन्हें हम ब्रिजेंद्रा दादी जी के नाम से जानते हैं, उनकी 34वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मुंबई में सायन सेवा केंद्र द्वारा भव्य कार्यक्रम एवं स्नेह मिलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुंबई, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की वरिष्ठ बीके बहनों समेत 1500 से अधिक लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आगाज संस्था के संयुक्त मुख्य प्रशासिका एवं महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जोन की प्रभारी बीके संतोष दीदी की दिव्य वाणी से हुआ। उनके अलावा मंच पर उपस्थित विले पार्ले सेवा केंद्र प्रभारी बीके योगिनी दीदी, बोरीवली ईस्ट की प्रभारी बीके दिव्य प्रभा दीदी, मुलुंड सबजोन प्रभारी बीके गोदावरी दीदी, उल्हासनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सोम दीदी, नासिक की प्रभारी बीके वासंती दीदी ने भी दादी ब्रिजेंद्रा जी के प्रति अपने उद्गार व्यक्त किए। दादी ब्रिजेंद्रा जी जिन्होंने सर्वप्रथम शिव बाबा का अवतरण इन चरम चक्षु से देखा, जैसे बाबा की महिमा अपरम अपार है वैसे हमारी आदरणीय दादियों के भी महिमा अपरम अपार है। दादी जी की दिव्य स्मृति सदा ही हम सभी के साथ रहेगी। दादी जी बहुत बहुत विशेषता संपन्न आत्मा थे और बाबा के अति प्रिय ज्ञानी और योगी तो आत्मा थे। जब दादी का फोन आता था जो मैं समझती हूँ कि आधा घंटा तो दादी का फोन, फोन के अंदर ही इतनी शिक्षाएं, इतनी मनोरंजन भी कराती थी और सारी सेवाओं के समाचार को भी सुनती थी। और दादी के पास बाबा की जीवन कहानी की जो बातें बहुत ही सुंदर की, दादी एक बार शुरू करे तो ऐसे होता था भी एंड ना हो, बस सुनते रहे। इस दिव्य कार्यक्रम में उपस्थित गॉलीवुड स्टूडियो के कार्यकारी निदेशक बीके हरिलाल भाई ने दादी जी के साथ के सुंदर अनुभव सुनाए और ब्रह्मा बाबा के ऊपर बनी फिल्म द लाइट से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। दादी ब्रिजेंद्रा जी ने इतिहास में यज्ञ की जो शुरुआत की थी, जो एक दृश्य के लेकर और जिनके कारण उनका आदि दृष्टा नाम पड़ा था, उससे हमने शुरुआत की है जिसमें साकार बाबा के तन में परमात्मा की प्रवेशता होती है और बाबा उच्चारण करते हैं शिवो ओम का, जो निजानंदम स्वरूपम ओम शिवो ओम शिवो ओम, ये जो शुरुआत है बना परमात्मा अपना परिचय इस सृष्टि में मनुष्य तन में आकर स्वयं दे रहे हैं, इससे बड़ा अद्भुत घटना इस सारे कल्प में या विश्व में हुई नहीं थी और होगी भी नहीं। और जिनके साक्षी, जिनके दृष्टा दादी ब्रिजेंद्र जी थे, मैं सबको इस मंच द्वारा ये भी बताना चाहता हूँ कि शिव जयंती के करीब हम इस लाइट को थिएटर में ले आएंगे और आप सभी को भी इस लाइट के द्वारा बाबा की जीवन वाणी और यज्ञ का संदेश जरूर मिलेगा। कार्यक्रम के आयोजन का मौका मकर संक्रांति का भी था, इसीलिए 1500 लोगों की उपस्थिति में इसे भी सेलिब्रेट किया गया। देखिए उसकी कुछ झलकियाँ। उड़ी उड़ी मैं पतंग बन उड़ी रे, उड़ी बादलों की।